बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो मैं हमेशा की तरह भागदौड़ में ही हूँ और आज भी बाहर निकली हूँ क्योंकि मेरे बेटे की बर्थडे है। उसने कहा था कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ केक कट करना है, तो मैं बाहर आई थी इसके लिए, केक वगैरह लेने के लिए। और मुझे कुछ अपनी भी चीज़ें चाहिए थी, यानी घर की ग्रोसरी की कुछ चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने कहा एक ही जगह पर चलते हैं ताकि तीर से दो शिकार हो जाएँ और जो घर की चीज़ें आने वाली हैं वो भी फिर एक जगह से ही ले लें। तो फिर कोक के बगैर आपको पता है कि बच्चों की पार्टी नहीं होती है। और साथ उसने फरमाइश की थी, जी मैंने बिरयानी खानी है, बिरयानी बनाने के लिए उसको भी कुछ सामान चाहिए था। नेक्स्ट डे के लिए कोफ्ते भी ले लिए और फिर फाइनली केक पसंद करने लगे थे। काफ़ी केक दिखे, हर बच्चा अपना कह रहा था कि मैंने ये लेना, ये वाला पसंद कर लें, वो वाला पसंद कर लें। और फाइनली भी हम लोगों ने चॉकलेट केक पसंद किया। बार बार इसी पर नज़र जा रही थी, इस पर फिर राइटिंग करवाई हम लोगों ने। बड़ा मजे कब से ये केक था। तो फाइनली ये केक वगैरह लेके हम घर आ गए। और फिर जी मैं बिरयानी बनाती हूँ थोड़ी सी देसी स्टाइल की, यानी इसका सारा मसाला जो होता है वो मैं बिरयानी की तरह बना के पर उसको हैंड में पुलाव की तरह दम लगाती हूँ, क्योंकि ये ज़रा होती है झटपट बिरयानी। उसके फ्रेंड्स आने वाले थे और टाइम बहुत कम था, इसलिए प्रॉपर लेयरिंग का टाइम नहीं था मेरे पास। तो फिर बच्चे आए, मगरिब का टाइम था, हमने कहा चलो नमाज़ पढ़ो। तो फिर मेरे बेटे ने सबको जमात भी कराई, हमने कहा पहले नमाज़ पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, उसके बाद तुम लोग अपने जो है वो बर्थडे वगैरह करना। तो फिर बच्चों से मैंने कहा चलो मिलके तुम लोग बलून भी फैलाओ। इसके सारे जो फ्रेंड्स वगैरह आए थे ना वो सारे मिलके रेस लगाने लग गए कि हम लोगों ने पहले बलून फैलाया, किसने पहले फैलाया है। और बच्चों का यही शौक होता है, यही वो इसी में बहुत इन्जॉय करते हैं। ये बर्थडे वगैरह बेसिकली बच्चों का इसी चीज़ का होता है, इन्जॉय का नाम ही। और फिर साथ साथ थोड़ी बहुत बच्चों की अरेंजमेंट भी कर रही थी जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं। और फिर गिफ्ट्स वगैरह भी सारे आ गए थे। देखिए कितना खूबसूरत केक है, इतना प्यारा उस पर राइटिंग हुई है, बहुत प्यारा लग रहा था केक। और बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं केक के लिए, केक कब कट करेंगे, केक काटने हम केक काटने। पर जो था मैंने कहा कि चलो पहले बच्चे आए, कब से खेल रहे हैं, उनको भूख लगी होगी तो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद केक कट कर लेंगे। तो फिर बच्चे हैं अपनी फ़ोटोग्राफी में मसरूफ़ हो गए। और फिर सारा टेबल वगैरह थी वो मैंने सेट कर ली थी कि चलो अभी केक काट लेते हैं। फिर सब ने कहा कि चलो कुछ पहले गेम्स खेलते हैं। पहले बर्थडे बॉय के सर पे जो थे वो बलून फाइटिंग कर रहे थे, बलून से उसको मार रहे थे। फिर लोगों ने सब ने म्यूज़िकल चेयर पर भी खेली बहुत, यानी बच्चों ने इन्जॉय किया और हमने भी साथ साथ इन्जॉय किया। फिर हमने कहा चलो खाना खाते हैं, बच्चे तारे भाग भूख के थक गए हैं, काफ़ी टाइम से आए हुए थे, उनको भूख लगी होगी। तो फिर बिरयानी वगैरह जो चावल बनाए थे हम लोगों ने वो खा रहे हैं, बच्चे बड़े ही शौक से इन्जॉय करके खा रहे हैं। उसके बाद फिर साहब ने कहा कि जी हम गिफ्ट देते हैं, खुद ही हमने ला के पहले तो टेबल पे रख दिए थे पर हमने पकड़ाने हैं जिसने लिए थे शौक से। तो सब ने बारी बारी अपने अपने गिफ्ट पकड़ाए और मेरा बेटा बड़ा एक्साइटेड होकर ना अपने बर्थडे गिफ्ट जो है वो रिसीव कर रहे हैं। बच्चों को इन चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है वैसे। और खैर वो अपना फ़न उन्होंने किया, बहुत इन्जॉय किया गिफ्ट सारे इकट्ठे करके। एंड में मैंने भी उसको फिर गिफ्ट दिया। और फिर ये फाइनली केक कट का टाइम आ गया था और ये कैंडल तो माशाल्लाह फ़ौरन चल पड़ी थी और दूसरी चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर ऐसा हुआ कि वो हाथ में चला दिया हम लोगों ने कि हमने वेस्ट नहीं करनी। तो वो है कैंडल चलाने के बाद फिर केक कट हुआ और एक दूसरे के उन्होंने मुँह पर भी केक लगाया, सारा क्रीम लगाई यानी। तो फिर केक कट करने के बाद बच्चों को केक वगैरह दिया और फाइनली फिर एंड में मैं अपनी चाय लेके बैठी, थक गई थी। बहरहाल बच्चों ने इन्जॉय किया। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।